भोपाल के विक्रम भालेश्वर 7 साल बाद जूते चप्पल पहनेंगे। 7 साल पहले वो सिर्फ 62 वोटों से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए थे। इसके पहले जिला पंचायत और मंडी समिति सदस्यों के 2 चुनाव और हार चुके थे, जिसके बाद उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। इस बार भोपाल जिला पंचायत वार्ड 8 से सदस्य के चुनाव में उन्होंने 3,137 वोटों से जीत दर्ज की और इसके लिए उन्होंने खूब संघर्ष भी किया। वो 132 गांवों में नंगे पैर पैदल ही घूमे और अब जीतने के बाद वो इन गांवों में फिर से जाएंगे, जिसके बाद ही वो जूते चप्पल पहनेंगे। 38 साल के विक्रम भोपाल के ग्राम भमौरा के रहने वाले हैं। पेशे से किसान विक्रम एमए तक पढ़े हैं। सबसे पहले उन्होंने 2010 के पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए। 2012 में मंडी समिति के चुनाव में फिर से मैदान में उतरे, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 2015 में पंचायत चुनाव में वो फिर से जिला पंचायत के वार्ड 8 से मैदान में उतरे और तब महज 62 वोटों से चुनाव हार गए। विक्रम ने कहा कि मैंने जनता को भगवान माना, इसलिए उन तक नंगे पैर गया। विक्रम ने बताया कि जिस तरह मंदिर या दूसरे धार्मिक स्थलों पर नंगे पैर जाते हैं, उसी तरह मैं जनता के पास नंगे पैर ही गया, क्योंकि जनता भगवान के समान है। और इसलिए 2015 में चुनाव हारने के बाद से उन्होंने जूते चप्पल भी त्याग दिए, यहाँ तक कि किसी शादी समारोह में भी नंगे पैर ही गए। पिछले 7 सालों से वो गांव में सक्रिय रहे, इस बार फिर से चुनाव में उतरे और जनता ने चुनाव जिता दिया। विक्रम का कहना है कि अभी वो नंगे पैर ही गांव में घूमेंगे, क्योंकि हर गांव में पहुंचकर उन्हें जनता का शुक्रिया अदा करना है, जिसके बाद ही वो जूते चप्पल पहनेंगे। विक्रम जीत का सर्टिफिकेट लेने के दौरान भी नंगे पैर ही दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। अधिकतर लोग कहा करते थे बिना धनबल और गांव बल के चुनाव नहीं जीता जा सकता। मैंने क्षेत्र के अंदर पैदल यात्रा करते हुए जनता के बीच में पारिवारिक संबंध स्थापित किए और लोगों को अपनापन हासिल करके मैंने चुनाव जीता। मेरे जिला पंचायत वार्ड के घर घर जाऊंगा, हर गांव में धन्यवाद यात्रा निकालूंगा, सबको धन्यवाद देने के बाद जीते थे।